क्या आप सफ़ेद दाग की समस्या से परेशान हैं? क्या आप सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट करा चुके हैं फिर भी आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो रहा है? क्या आप घर बैठे ही ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं? दोस्तों, मैं डॉक्टर संदेश गुप्ता, विटिलो एक्सपर्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। ये जो सफ़ेद दाग होता है ये कोई डिसीज़ नहीं है और इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। हम 5000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं। हमारे सेंटर में पिछले 21 साल से विटिलिगो का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। विटिलिगो के ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेडिसिन के द्वारा और दूसरा होता है इसके कलर को वापस लाना। जो मेडिसिन के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं उससे हमारी बीमारी का प्रोग्रेशन रुक जाए, जब तक की बीमारी की एक्टिविटी रहेगी तब तक हमें उस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। और कलर वापस लाने के लिए जो हमारा हेयरी एरिया होता है, जहाँ पे बाल होते हैं काले, वहाँ पर कलर हमारा वापस आ सकता है UVA से या UVB थेरेपी से या एक्जाइमर लेजर से। लेकिन जहाँ पर नॉन हेयरी एरिया होता है, जहाँ पर बोनी चेंजेस होते हैं, लिप है, फिंगर टिप्स हैं या स्किन हमारी टाइट है, वहाँ पर हमारा इस चीज़ से यूवी थेरेपी से कलर वापस नहीं आ सकता। उस पोर्शन में हमें कुछ बाहर से स्किन के पीसेज लगाने पड़ते हैं। बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है, आधे घंटे का प्रोसीजर होता है और उसके बाद फिर हम यूवी थेरेपी ले सकते हैं। तो इससे धीमे धीमे हमारा कलर उसमें से पीसेज में से निकल के फैल सकता है। तो दोस्तों, जिस दिन से हम इलाज शुरू करते हैं इसका विटिलिगो, उस दिन के बाद विटिलिगो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस बात का आप खास ख्याल। ट्रीटमेंट करने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल ट्रीटमेंट है। आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, हमें आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। फर्स्ट डे से आपका बढ़ना रुक जाए तो आपका समझो 50% काम तो वैसे ही बन गया और धीमे धीमे कलर वापस आ जाए। जब भी आपको लगे कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट छोड़ सकते हैं, और जैसे लगता रहे कि ट्रीटमेंट हमारा सफल होता जा रहा है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप किसी भी कोने से आप हमसे या आके मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं।